चले रुक सतना का कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेंटेनेंस के अभाव में आईसीयू स्थित वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सप्लाई हुई बाधित, आधे घंटे तक सप्लाई रही बंद, मरीज के परिजन हुए परेशान। अधिकारियों के कामकाज पर सवाल या निशान यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आधे घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई जो थी वो बंद रही, अधिकारियों के कामकाज पर यहां बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेंटेनेंस के अभाव में आईसीयू में जो स्थित वेंटिलेटर है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और ये ऑक्सीजन आधे घंटे तक सप्लाई नहीं हुआ है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीज के परिजन बेहद परेशान हुए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के कामकाज पर सवालिया निशान उठते हुए भी यहां नजर आ रहे हैं। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मेंटेनेंस के अभाव के चलते आईसीयू तक यहां पर जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण आधे घंटे तक सप्लाई बंद रही। आपको बता दें कि जो केयर टेकर है, मरीज के परिजन है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी यहां पर उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के कामकाज पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता मनोज रजक। मनोज, क्या है पूरा मामला, इस तरीके से जो स्थिति बनती है काफी भयावह है, किसी की जान भी जा सकती है। जी मनोज, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनोज से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर फिलहाल आपको सतना से बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। मेंटेनेंस के अभाव में आईसीयू स्थित वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सप्लाई यहां पर बाधित हुई है और आधे घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद रही, जिससे मरीज के परिजन थे वो बेहद परेशान हो गए।